अभी तक मैथ्स ने आपके लिए है, अब आप मैथ्स की लोगे। आ गया हूं मैं राहुल धाकड़ बाबा गैंग पर। हेलो दोस्तों, मैं हूं राहुल धाकड़ और दोबारा आ गया हूं आपके सामने। 18 को है एग्जाम, जी हां, मैथ्स का एग्जाम 18 को है और अब आपको हल्की हल्की सी टेंशन तो होने लगी होगी, लेकिन मुझे पता है आपकी नाराजगियां मुझसे बहुत सारी हैं, लेकिन इस बार मैं आ गया हूं पूरा कोर्स करवाने 6 दिन में। और ये गारंटी है मेरी कि अगर आपने मेरे वीडियोज, मेरा कंटेंट, मेरा मटेरियल जिस तरह से मैं बोल रहा हूं उस तरह प्लान किया, तो उससे ना आज तक पेपर बाहर आया है ना अब आएगा। लेकिन सबसे पहली बात, मेरा वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको अपने मोबाइल में आपके व्हाट्सएप नोटिफिकेशन, इंस्टाग्राम नोटिफिकेशन, फेसबुक नोटिफिकेशन बंद करने पड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, मुझे पता है कि मेरे मैक्सिमम दोस्त अभी मोबाइल यूज कर रहे हैं, मोबाइल से मेरे वीडियोस देख रहे हैं। आपको अपने सोशल मीडिया से थोड़ा सा कट ऑफ होना पड़ेगा इन 6 दिन के लिए, क्योंकि मेरा टारगेट है 100 और 100 से कम कुछ भी नहीं। तो अब हम शुरू करते हैं हमारी पहली क्लास, जिसमें हम लोग बात करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पोर्शन है रिलेशन एंड फंक्शन का। यहां पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और रिलेशन फंक्शन मिलाकर टोटल 10 मार्क्स का वेटेज है। जी हाँ दोस्तों, या ये पोर्शन 6-4 या 4-6 के फॉर्म में आपके पास 10 नंबर लेके आ रहा है। तो पहले ही दिन आपको ये टेंशन नहीं करनी कि आपका पिछला एग्जाम कैसा गया, सब कुछ भूल जाइए, सब कुछ भूल जाइए। अगर आपके 100 में से 100 मैथ्स में आ गए तो पुरानी गलतियां सब माफ हो जाएंगी, क्योंकि 100 में से 100 परफेक्ट स्क्वायर मैं दिलवाने आपको आ गया हूं। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और अगर बात करें रिलेशन फंक्शन की, तो ये दो टॉपिक ऐसे हैं जो कि ऐसे हाथ में नंबर लेके आते हैं, फ्री के नंबर हैं, लॉजिक कम है, चीजें याद करने वाली ज्यादा है। इनको आप थोड़ा मेरे साथ फॉर्मेटिंग कर लेंगे तो आपके फुल मार्क्स पॉसिबल हो जाएंगे। अब शुरू करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। अगर बात करें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की, तो आपको 11th क्लास के कुछ फॉर्मूले जो ट्रिग्नोमेट्री के थे वो याद होने बहुत जरूरी हैं। यहां पर मैं कोशिश करूंगा कि आपको फॉर्मूले डिराइव करने आ जाएं। अगर आपको याद हो जाएंगे फॉर्मूले तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी और आपका पेपर कभी नहीं छूटेगा। तो जो फॉर्मूले मैं आपसे बोल रहा हूं वो याद कर लीजिएगा और 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले सबसे पहले रिवाइज करिएगा। अगर आपने 11th क्लास के फॉर्मूले याद नहीं किए हैं, तो सबसे पहले लिंक में दिए हुए मेरे कुछ वीडियोस हैं, जहां पर जाकर आपको ट्रिग्नोमेट्री के 11th क्लास के फॉर्मूले याद करने हैं। इट विल हार्डली टेक 1 आवर और सो, बट आपको 11th क्लास के फॉर्मूले याद होना बहुत जरूरी है। दोस्तों अब शुरू करते हैं हमारा पहला टॉपिक, जिसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, और इसको हम लोग क्विकली खत्म करने वाले हैं क्योंकि टाइम कम है, लेकिन हर कॉन्सेप्ट पढ़ना जरूरी है। तो सबसे पहला पॉइंट तो यह है, जहां पर हम देखते हैं कि अगर मैं बात कर रहा हूं इनवर्स ऑफ साइन फंक्शन या इनवर्स ऑफ कॉस फंक्शन या इनवर्स ऑफ टेन फंक्शन, तो मैं लिखूंगा कैसे उसको। तो यहां पर यह डिनोट होता है साइन इनवर्स ऑफ, ब्रैकेट में आता है आर्क साइन फंक्शन। कॉस की बात करेंगे तो साइन इनवर्स एक्स, वैसे कॉस इनवर्स एक्स, वैसे ही टेन इनवर्स एक्स, और उसी तरह से हमारे 6 फंक्शन को हम डिनोट कर सकते हैं। फंडामेंटली जब हम बात करें तो कुछ डाउट हमारे दिमाग में रहता है जो कि इस पॉइंट में दिख रहा है। यहां पर दिया हुआ है साइन इनवर्स एक्स और यहां पर दिया हुआ है 1/sin x। ये जो आपका -1 पावर में लगा हुआ है, इसको आप एक्सपोनेंट से रिलेट कर ये मत बोल दीजिएगा कि ये दोनों बराबर हैं। इसलिए मैंने साफ साफ लिख दिया है कि साइन इनवर्स एक्स इज नॉट इक्वल टू 1/sin x। वैसे ही दिमाग में कई बार आता है कि साइन इनवर्स एक्स के ऊपर अगर स्क्वायर लग जाएगा तो शायद से ये स्क्वायर इसके पास चला जाएगा और ये साइन इनवर्स -2x हो जाएगा या साइन की पावर -2x हो जाएगा। ये कभी नहीं होगा और ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। ये आपके 8th-9th में पढ़े हुए एक्सपोनेंट जैसा बिल्कुल भी नहीं है। वैसे ही इस पार्ट को आप साइन एक्स
टू दी पावर माइनस वन नहीं लिख सकते। ये एक अलग अलग फंक्शन है, जिस तरह एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, जिस तरह से एक एल्जेब्रिक फंक्शन होता है, जिस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, वैसे ही उसी तरह से ये एक अलग फंक्शन है जिसका नाम होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये पूरी तरह से अलग कॉन्सेप्ट है, दो कॉन्सेप्ट को मर्ज मत करिएगा। इन तीन फंडामेंटल को ध्यान रखिएगा, क्योंकि यही तीन फंडामेंटल जो कि एक्सपोनेंट को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से सेपरेट करते हैं। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। यहां पर बेसिक प्रॉपर्टी की बात चल रही है। अगर आपके पास कभी भी साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स होता है तो उसको आप एक्स लिखते हैं। ये दिमाग में आपके नहीं आना चाहिए कि इसमें ये कैंसिल हो रहे हैं, कैंसिल नहीं हो रहे हैं, ये रिलेशन है। इसमें साइन इनवर्स और साइन आपस में नलीफाई हो जाते हैं, ये कैंसिल नहीं होते हैं। आप इसको कभी काट के कैंसिल करके एक्स में छोड़ दीजिएगा। इसका पूरा रीजंस होते हैं, लेकिन मैं अभी बिल्कुल क्विकली इसको रिवाइज कर रहा हूं, इसलिए वहां पर नहीं जा रहा हूं। बस याद रखिएगा, अगर कभी इस तरह के सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर आपके पास आ जाते हैं तो यहां पर आपके पास सिर्फ एक्स बचता है। वैसे कॉस इनवर्स एक्स, कॉस अगर एक्स है तो आंसर आएगा एक्स। वैसे ही टेन के साथ, कोसेक के साथ, सेक के साथ, कॉट के साथ। लेकिन अगर ये इनवर्स फंक्शन बाहर ना होकर अंदर आ जाए, जो कि यहां पर दिख रहा है आप लोगों को साइन साइन इनवर्स एक्स, तब भी वही प्रॉपर्टी फॉलो करती है और यहां पर आंसर आता है एक्स। कॉस के साथ भी वैसे ही है, और ऐसे ही टेन कोसेक कॉट सेक सबके साथ वही प्रॉपर्टी फॉलो करेगी। अब आते हैं कि जिस तरह से सर साइन एक्स कॉसेक एक्स का रेसिप्रोकल है, तो अब आप हमें बताइए कि किस तरह से साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स आपस में रिलेटेड है। तो आप ध्यान से देखिए, यहां पर जो आपका आर्क फंक्शन है, यहां पर जो आपका वैल्यू आता है, इसका अगर रेसिप्रोकल कर दिया जाए तो वो बनता है कॉसेक इनवर्स एक्स। और वैसे ही टेन का अगर यहां फंक्शन अगर आपको रेसिप्रोकल में मिल जाए तो वो कॉट इनवर्स, क्योंकि आपको पता है कि साइन का कॉसेक होता है रेसिप्रोकल, टेन का कॉट और सेक का कॉस। वैसे ही प्रॉपर्टी से कॉस इनवर्स 1 बाय एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कॉसेक का साइन और कॉट का टेन। तो इस तरह से दोनों रिलेटेड रहते हैं। एक एग्जांपल से देख लेते हैं इस चीज को। अगर मैं बात करूं एक नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, तो साइन पाई बाय 6 इज इक्वल टू होता है 1 बाय 2। याद रखिएगा, इस पूरे चैप्टर में डिग्रीज के फॉर्म में बात नहीं करेंगे, बात करेंगे रेडियन के फॉर्म में। पाई बाय 6, पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3, इस तरह से पूरा का पूरा सॉल्यूशन आएगा। यहां पर अगर मैं बात करूं साइन पाई बाय 6 इज इक्वल टू 1 बाय 2 की, तो आपको समझ में आ गया था कि यहां पे दो प्लेसेस है। इस प्लेस पे एंगल आएगा और इस प्लेस पे आएगा आपका मैग्नीट्यूड। मतलब यहां पर ये प्लेस डेडिकेटेड रहेगी हमेशा एंगल के लिए, और यहां पर मैग्नीट्यूड के लिए प्लेस डेडिकेटेड रहेगी। लेकिन जब बात करते हैं इनवर्स फंक्शन की, तो आपको पता है इसी ट्रिग्नोमेट्री में ये वाला साइन उचक कर राइट हैंड साइड पे आता है और ये बन जाता है इनवर्स। तो पाई बाय 6 इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स कुछ इस तरह से फॉर्म आ जाता है, जो कि आपका एक्स दिया हुआ है क्या 1 बाय 2। तो यहां पर आप किस तरह समझेंगे, जैसे मैंने यहां पर लिखा हुआ है आर्क साइन फंक्शन, मतलब आप समझ चुके हैं कि ये प्लेस अब मैग्नीट्यूड के लिए डेडिकेटेड हो चुकी है और यहां पर अब आएगा आपका एंगल। तो इस तरह से आपका रिलेशन चेंज हो जाता है। यहां पर अगर साइन इनवर्स 1 बाय 2 लिखा हुआ है और इसकी जगह अगर मैंने अगर साइन इनवर्स 2 लिख दिया, मतलब देखिए आप 1 बाय एक्स की जगह अगर मैंने एक्स कर दिया या जो भी फंक्शन दिया है उसका रेसिप्रोकल कर दिया, तो मुझे मिलेगा कॉसेक इनवर्स। मतलब अगर साइन इनवर्स 1 बाय 2 है तो कॉसेक इनवर्स क्या हुआ, कॉसेक इनवर्स 2 हुआ। जी हाँ, मतलब मैग्नीट्यूड का ही रेसिप्रोकल आपको करना है, ना कि एंगल का। क्लियर है? अब मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। तो आ गए हैं दोस्तों हम लोग हमारी पांचवी प्रॉपर्टी पर, जहां पर आपने नेगेटिव मैग्नीट्यूड देखा। 11th में भी आपने कुछ ऐसी प्रॉपर्टी देख चुकी है जहां पर साइन नेगेटिव एंगल पर माइनस ऑफ साइन एक्स डिलीवर करता था। कॉस के साथ ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि कॉस नेगेटिव एंगल को एब्जॉर्ब करता था, लेकिन टेन भी साइन की तरह बिहेव करता था। यहां पर भी कुछ ऐसे ही होने वाला है, साइन इनवर्स एक्स
जब नेगेटिव मैग्नीट्यूड के साथ आएगा तो वो माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स डिलीवर करेगा, कॉसेक में भी नेगेटिव मैग्नीट्यूड पर माइनस ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स आता है, और टैन इनवर्स में भी नेगेटिव एंगल पर आपको नेगेटिव ऑफ टैन इनवर्स एक्स मिलता है। इसका मतलब 6 में से ये 3 आपको नेगेटिव वैल्यू देंगे। लेकिन जब हम बात करें कॉस इनवर्स नेगेटिव एक्स, sec इनवर्स नेगेटिव एक्स, cot इनवर्स नेगेटिव एक्स, तो आपको एक टर्म और देगा, यह है पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। जी हां, sec इनवर्स माइनस एक्स, पाई माइनस sec इनवर्स एक्स, cot इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज पाई माइनस cot इनवर्स एक्स। तो इस तरह से ये 3 डिफरेंट है और ये 3 डिफरेंट, तो आपको याद रखना है। आते हैं 6th प्रॉपर्टी पर, जहां पर आपको यह बोला गया है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2। ऐसा कैसे आया? मैं आपको हल्का सा एग्जांपल दे रहा हूं एक बार, कि अगर मैं इसी केस में साइन इनवर्स एक्स को y मान लूं तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन y। और अगर मैं चाहता हूं कि इस साइन y को कॉस के टर्म में कन्वर्ट करूं तो कुछ वैल्यू आएगी कॉस पाई बाय 2 माइनस वाई, क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, वैसे ही कॉस 90 माइनस वाई साइन वाई होगा। ये दोबारा अगर अपने ओरिजिनल पोजीशन पे चला जाए तो ये कुछ कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस वाई आएगा। और अब मैं यहां से वाई की वैल्यू निकाल दूं तो y इज इक्वल टू आएगा पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स x। इस y की वैल्यू को अगर मैं वापस यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दूं, मतलब y क्या था मेरा साइन इनवर्स x, तो इसकी जगह अगर मैं लिख दूं पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स x और प्लस कॉस इनवर्स x तो लिखा ही हुआ है, तो आंसर क्या आएगा पाई बाय 2। जी हां, उसी तरह से tan इनवर्स x को अगर आप y ले लें और फिर आप इसी तरह से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की तरफ से cot इनवर्स के फॉर्म में उसको लिख दें और फिर आप आंसर निकालें, तो आपका आंसर पाई बाय 2 प्रूफ हो जाएगा। प्रूफ करने के चक्कर में नहीं पढ़ रहा हूं, लेकिन आपको चीजें आनी चाहिए कि चीजें रटने से पहले हमें डिराइव कैसे करनी है। तो अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर, तो आइए देखते हैं 7th प्रॉपर्टी, जहां पर आपके पास tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y दिया हुआ है। ध्यान से देखने पर ये जितनी प्रॉपर्टी 7th और 9th पॉइंट पे प्रॉपर्टी लिखी हुई है, ये सब के सब 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। आइए देखते हैं कैसे। इफ आई टेक tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा और tan इनवर्स y इज इक्वल टू phi, मतलब दो वेरिएबल ले लिए हम लोगों ने, और यहां से tan को चुका के वहां भेज दिया, तो x इज इक्वल टू आ गया आपके पास tan थीटा, और यहां पर y इज इक्वल टू आ गया tan phi। याद करिए वो फॉर्मूला जब आप लिखते थे, ये किस चीज का फॉर्मूला था? जी हां, ये था फॉर्मूला tan थीटा प्लस phi। यहां पर अगर आप x इसको मान रहे हैं तो यहां पर आएगा x प्लस tan phi की जगह आएगा y, और ये 1 माइनस एक्स वाई। जी हां, और यहां पर आपको पता है कि आपने थीटा और phi किया है, और tan को रुचकाकर वहां भेज दिया जाए तो ये ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई। और यहां पर क्या बचा आपके पास, थीटा प्लस फाइ, और थीटा क्या था आपके पास tan इनवर्स x, जो कि आपको यहां दिख रहा है, और फाइ क्या था आपके पास tan इनवर्स y, जो कि आपको यहां दिख रहा है। तो ये वही फॉर्मूले हैं जो आपने ग्रेड 11 में पढ़े हैं, कोई नया दिमाग लगाना नहीं है, सिंपल सा लॉजिक है। आप क्वेश्चन देख के समझ जाएंगे कि फॉर्मूला आपका कहां से पिक किया हुआ है। जी हाँ, नेक्स्ट मूव करते हैं 9th क्वेश्चन में। यहां पर आपको दिख रहा है कि यहां पर 2 tan इनवर्स x को 3 अलग अलग फॉर्म में लिखा हो गया है, तो ये भी 11th क्लास का वही फॉर्मूला है जो कि tan 2x को, जी हाँ, tan 2x को 3 अलग अलग फॉर्म में रिप्रेजेंट करता था, पहले साइन के फॉर्म में, कॉस के फॉर्म में, और tan इटसेल्फ। जी हाँ, tan का ही फॉर्मूला था वो। तो देखते हैं किस तरह कन्वर्जन करना है यहां पे। यहां पर अगर मैं ये मान लूं कि लेट
tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, तो क्या मैं इसको 2 थीटा लिख सकता हूं? जी हाँ, ये 2 थीटा हो जाएगा इतनी चीज। और यहां पर tan अगर उचक के उस तरफ आए तो यहां पर आएगा tan 2 थीटा। अब tan 2 थीटा के सामने क्या बचा? 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और यहां पर आपको पता था कि x इज इक्वल टू क्या है? tan थीटा। तो क्या मैं इस x को रिप्लेस करके tan थीटा डाल सकता हूं? डाल देते हैं। जी हाँ, ये बन गया फॉर्मूला tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan स्क्वायर 1 माइनस tan स्क्वायर। इसी tan को अगर x से रिप्लेस कर दूंगा तो ये मेरे पास इनवर्स का फॉर्मूला आ जाएगा। सिमिलरली यहां पर अगर आपको cos के फॉर्म में लिखना है, सिमिलरली यहां पर x की जगह अगर मैं cos रिप्लेस कर दूं तो ये आ जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा, जो कि आपका फॉर्मूला हो गया है किस चीज का? tan 2 थीटा का cos के फॉर्म में। और यहीं पर अगर मैं रिप्लेस कर दूं x के जगह sin, तो यहां पर ये 2 sin थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा आपका फॉर्मूला बन जाता है, tan 2 थीटा का फॉर्मूला sin के फॉर्म में। फॉर्म सब वही है, उसका इनवर्स वेरिएशन आपने यहां पर पढ़ना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हो।